हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लनब्रे दिमन तो हम कर रहे थे क्लास सिक्स का ही चैप्टर नंबर सेवन जल संसाधन एवं संरक्षण तो जिसमें हमने ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए थे तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है वीडियो पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक तो देखिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर प्रेस भी करिए जिससे कि जो भी वीडियो आता है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो क्वेश्चन ट्वेंटी एट है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है तो यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इन दो जिलों में बहती है और उसके बाद यहां से वह खंबाद की खाड़ी में चली जाती है और वही हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा था कि वह कहां चली जाती है कच्छ के खाड़ी में चली जाती है ठीक है माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सोम और जाखम माही नदी की सहायक नदी है थर्टी वन क्वेश्चन है माही नदी अपना जल कहां ले जाती है तो यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में बहती है और उसके बाद यह खम्बात की खाड़ी में चली जाती है नेक्स्ट देखिए बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है तो यह जयपुर जिले में है इस नदी का उद्गम स्थल जो है वह जयपुर से है अरावली की बैराट पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो हमने देखा जयपुर जिले में ही बैराट की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल इसका उद्गम होता है कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है तो देखिए सिक्स क्लास है जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है चैप्टर नंबर सेवन का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है तो यह है बाण गंगा नदी जो कि भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में जाकर भूमिगत हो जाती है किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है तो अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा नदी को नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्टी सिक्स घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो यह हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तो घग्गर एक अंत प्रवाही नदी है जो कि राजस्थान में ही वहीं पर ही लुप्त हो जाती है तो इस नदी का उद्गम स्थल कहां से है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है तो यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश से आती है यह और फिर हनुमानगढ़ में जाकर प्रवेश करती है फिर श्री गंगानगर में जाती है और वहीं तक इसका अंत हो जाता है वहीं पर यह भूमिगत हो जाती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं अंत प्रवाही नदी घग्गर नदी किस स्थान पर भूमिगत हो जाती है तो राजस्थान जो है उत्तरी राजस्थान वहां पर यह प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में और फिर श्री गंगानगर में जाकर भूमिगत हो जाती है नेक्स्ट देखिए फोर्टी क्वेश्चन घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है तो इसका प्राचीन नाम क्या है सरस्वती नदी इसे माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा आधुनिक भारत का मंदिर तो बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं जहां पर कई प्रकार के उद्देश्य जो है वो पूरा कर लिए जाते हैं यहाँ पर देखिए नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है सिंचाई पेयजल वृक्षारोपण भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना बाढ़ पर नियंत्रण पाना मृदा का जो कटाव है उसे रोकना पर्यटन ये सारे उद्देश्य जब एक जगह पूरे होते हैं तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त तो परियोजनाएं हैं चंबल परियोजनाएं किन दो राज्यों की संयुक्त तो परियोजना है तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है तो दो राज्यों में लाभ पहुंचाती है यह चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश ठीक है तो देखिए जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी वो इन क्वेश्चन को यदि कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए है है कि आप लोग चैप्टर जो है उसको अच्छे से पढ़िए। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर चार बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है तो यहाँ चार बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर जिसमें पहला बांध जो है वह है गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है तो कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध ये बांध है तो हमने देखा कि चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल चार बांध बने गांधी सागर बांध और उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध नेक्स्ट देखिए चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है जैसे हमने देखा चंबल परियोजना जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है वही राजस्थान और गुजरात इन दोनों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना ठीक है और जो कि माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले की है तो यहां पर देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले से ही माही नदी जो है वह निकलकर जाती है गुजरात की तरफ तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि यह है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर बांध कहा है तो यह बांसवाड़ा में स्थित है माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भी वही है कि पेयजल जल, जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए परियोजना का संबंध किस जिले से है बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है यह टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में स्थित है बीसलपुर बांध कहाँ है तो मैंने आपको बताया कि टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में स्थित है जो कि बनास नदी के पास है बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है तो किन को होती है आपूर्ति किन जिलों को तो देखिए यहां जयपुर अजमेर और टोंक और इसके साथ साथ अन्य जो पास के क्षेत्र हैं इनको पेयजल आपूर्ति की जाती है बीसलपुर परियोजना से सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त तो परियोजना है तो चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है माही बजाज सागर परियोजना जो है वह है गुजरात और राजस्थान की है बीसलपुर परियोजना जो है वह है टोंक जिले की है वहीं सरदार सरोवर परियोजना जो है वह है गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान इन चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है और जो बीसलपुर परियोजना है वह कहाँ की है राजस्थान की नेक्स्ट देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है सरदार सरोवर बांध जो है वह है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है तो चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो वहीं राजस्थान में यह बाड़मेर और जालोर में फायदा दिलाती है तो आज हम यहीं तक करेंगे जहां हमने राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देखी चंबल परियोजना माही बजाज सागर परियोजना बीसल परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू